आज हम देखेंगे कि हाफ एडल को हाफ सबट्रैक्टर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। हाफ एडल हाफ सबट्रैक्टर में पहले ही समझा चुकी हूं। अब हाफ एडल क्या होता है, जो दो बिट्स पर एडिशन परफॉर्म करता है, मतलब प्रीवियस कैरी को नहीं ध्यान देता है, ये सिर्फ दो बिट्स पर एडिशन परफॉर्म करता है। ए और बी या एक्स और वाई दो बिट्स पर ही एडिशन परफॉर्म करता है। अब हाफ सबट्रैक्टर क्या करता है, दो बिट्स को सबट्रैक्ट करने का काम करता है प्रीवियस बोरो को इग्नोर करके। अब हाफ एडल की जो इक्वेशन आती है सम की, अब हमें पता है कि एडिशन में एक होता है सम और दूसरी क्या होती है कैरी होती है, मतलब जो अभी करंट कैरी जनरेट हुई। सपोज हमारा नंबर है 1+1, तो अब ये है x, ये है y और ये क्या है 1+1 0 विथ कैरी 1, तो ये क्या आया है सम आया है और ये क्या आया है कैरी आई है। तो कोई भी बिट्स अगर हम ऐड करते हैं तो एक क्या होता है सम होता है और एक क्या होती है कैरी होती है। अब इसी तरह से हाफ सबट्रैक्टर में एक होता है डिफरेंस और एक क्या होता है बोरो, कि कौन सी बोरो हमें लेनी पड़ेगी। तो एक होता है डिफरेंस, एक होता है बोरो। अब सम की और डिफरेंस की इक्वेशन हम क्या नोटिस करें कि दोनों की इक्वेशन क्या आ रही है, सेम आ रही है, लेकिन कैरी और बोरो की इक्वेशन क्या है थोड़ी सी अलग है। अब देखो इसका जो लॉजिक डायग्राम बनता है हाफ एडर का वो कैसे बनता है, तो ये है हाफ एडर का लॉजिक डायग्राम। यहां से इनपुट में क्या क्या जाएंगे, एक्स और वाई जाएंगे, तो ये एक्स और ये क्या हो गया वाई हो गया, और यहां से क्या आता है सम आता है और यहां से क्या आता है कैरी आती है। अब हमें क्या करना है, हाफ एडर को कन्वर्ट करना है हाफ सबट्रैक्टर में कन्वर्ट करना है। अब देखो सम और डिफरेंस की इक्वेशन तो सेम है, लेकिन यहां पे हम क्या नोटिस करें कि एक चेंज है, यहां पर x इंटू वाई है और यहां पर क्या है x कॉम्प्लीमेंट वाई है। मतलब हमें अगर हाफ सबट्रैक्टर चाहिए इसका मतलब हमें कैरी में क्या चाहिए, x कॉम्प्लीमेंट वाई चाहिए। तो अब हम क्या कर सकते हैं, ऐसा तो हम कर नहीं सकते हैं कि हम सम के लिए अलग इनपुट्स दे दें, मतलब एक्स और वाई दे दें, और कैरी के लिए इसके बदले क्या दे दें एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई दे दें, ऐसा तो कर नहीं सकते क्योंकि हमें इनपुट्स तो कॉमन ही देने हैं, उन कॉमन इनपुट्स पर ही हमें सम और कैरी मिलेंगे। तो अब हम क्या करें कि इसमें एक्स का क्या दे दें कॉम्प्लीमेंट दे दें, मतलब यहां से जो ये एक्स आ रहा था उसका हम यहां पर क्या लगा दें कॉम्प्लीमेंट लगा दें, तो उससे हमें क्या मिल जाएगी कैरी की इक्वेशन तो सही मिल जाएगी। जहां एक्स वाई आ रहा था वहां पर अब हमें क्या मिल जाएगा एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई मिल जाएगा, लेकिन सम की इक्वेशन डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इसके लिए अब हम क्या करें कि यहां पर भी क्या लगा दें कॉम्प्लीमेंट लगा दें। देखो जब हम यहां से क्या दे रहे हैं एक्स का कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, तो अब हमारी जो सम की इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी, देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं एक्स और वाई लिख सकते हैं, ठीक है, ये एक्स और वाई की इक्वेशन है, तो ये क्या है एक्स और वाई है। जब हम यहां से एक्स का कॉम्प्लीमेंट देते हैं तो यही इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स की जगह क्या आ जाएगा एक्स कॉम्प्लीमेंट एक्स और वाई, तो एक्स कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा और एक्स और क्या हो जाएगा वाई हो जाएगा। तो हम जो चाह रहे थे वो इक्वेशन हमें नहीं मिलेगी। तो अगर हम क्या करें कि यहां पर इसका भी क्या कर दें कॉम्प्लीमेंट कर दें, तो हमें क्या मिल जाएगी, फिर डिफरेंस की इक्वेशन मिल जाएगी। अब कैसे मिलेगी, यहां तक हमें क्या मिला था एक्स और एक्स कॉम्प्लीमेंट एक्स और वाई ये मिला था, अब हमने जब उसका भी क्या कर दिया कॉम्प्लीमेंट कर दिया, मतलब हमें आउटपुट ये मिलता था जो कि हमें नहीं चाहिए था, तो अब हमने क्या कर दिया इसका कॉम्प्लीमेंट कर दिया। तो अब हम क्या लगाते हैं इस पे डी मॉर्गन्स थ्योरम लगाएंगे। तो डी मॉर्गन्स थ्योरम लगाने से पहले हम इसको क्या करें सॉल्व कर लें। तो एक्स कॉम्प्लीमेंट एक्सोर वाई, अब एक्सोर गेट का क्या फंक्शन होता है, एक्सोर गेट क्या करता है, मतलब पहले हमें क्या करना पड़ता है, देखो एक्सोर गेट यही होता है अगर है ए एक्सोर बी, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा पहले ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट ए, मतलब यही होता है एक्सोर गेट। तो अब हम इसको सॉल्व करें, तो यहां पे क्या हो जाएगा पहले हमें क्या करना है इसका कॉम्प्लीमेंट करना है, तो हम क्या कर देंगे इसका कॉम्प्लीमेंट कर देंगे, और y को हमें क्या लिखना है एज इट इज लिखना है, फिर हमें क्या लगाना है प्लस लगाना है, फिर हमें क्या करना है इस पहली वाली टर्म को तो एज इट इज लिखना है, मतलब x कॉम्प्लीमेंट को एज इट इज, और y का क्या कर देना है कॉम्प्लीमेंट कर देना है, वो हमने कर दिया, और इस पूरे पर क्या लगा हुआ है कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है, तो इस पूरे पर क्या लग गया कॉम्प्लीमेंट। अब हम क्या लगाएंगे डी मॉर्गन्स थ्योरम। अब डी मॉर्गन्स थ्योरम क्या कहती है कि अगर ए प्लस बी इन दो टर्म्स का होल कॉम्प्लीमेंट है तो हम क्या कर देंगे इनका इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट कर देंगे और प्लस की जगह डॉट लगा देंगे। अब यहां पर इसको हम मान ले ए, इसको हम मान ले बी, तो अब डी मॉर्गन्स थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा इन दोनों का क्या लगा कर देंगे हम इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट कर देंगे, मतलब एक्स डबल कॉम्प्लीमेंट वाई
का कॉम्प्लीमेंट और एक्स डबल कॉम्प्लीमेंट वाई एक्स डबल कॉम्प्लीमेंट को हम क्या लिख सकते हैं, ओनली एक्स वाई लिख सकते हैं, मतलब इसको, क्योंकि हमें पता है ए के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए ही होता है, तो हम एक्स के कॉम्प्लीमेंट के कॉम्प्लीमेंट को ओनली एक्स लिख सकते हैं, मतलब इसको हम क्या लिख देंगे, एक्स वाई, और इसका हमें क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट करना है, फिर हमें इसका भी अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन्स थ्योरम हमें इसका भी क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट करना है, और प्लस की जगह डॉट, तो अब हम क्या करेंगे, इसका भी कर देंगे कॉम्प्लीमेंट कर देंगे, अब हमें इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो अब वापस यहां पर क्या लगेगी, डी मॉर्गन्स थ्योरम, तो डी मॉर्गन्स थ्योरम का एक और स्टेटमेंट क्या होता है, अगर ए डॉट बी का होल कॉम्प्लीमेंट है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, मतलब इनका इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट और बीच में प्लस साइन, तो अब हम क्या करेंगे, एक्स डॉट वाई का होल कॉम्प्लीमेंट को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई का कॉम्प्लीमेंट, और फिर यहां पे डॉट तो है ही, अब इस पर भी डी मॉर्गन्स थ्योरम अगर हमने लगाई तो वो क्या हो जाएगा, अब एक्स डबल कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई डबल कॉम्प्लीमेंट, अब ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, ये तो एज इट इज रहेगा, और फिर ये क्या हो जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा, तो ये हो गया x प्लस वाई, अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, इस इक्वेशन को, अब इसी को हम आगे सॉल्व करें तो हमें क्या करना होगा, इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपस में, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अगर हम इसमें लगाएंगे तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x कॉम्प्लीमेंट डॉट x हो जाएगा, फिर प्लस x कॉम्प्लीमेंट डॉट y हो जाएगा, फिर प्लस y कॉम्प्लीमेंट डॉट x हो जाएगा, फिर प्लस y कॉम्प्लीमेंट डॉट y हो जाएगा, x कॉम्प्लीमेंट इंटू x विल बी जीरो प्लस x कॉम्प्लीमेंट y प्लस एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट, इनको आगे पीछे लिख दिया, और फिर ये भी क्या हो गया, जीरो, तो हमें क्या मिल गया, x कॉम्प्लीमेंट y प्लस एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट, तो ये हमें किसकी इक्वेशन मिल गई, बोरो की इक्वेशन मिल गई, तो अब हमने कुल मिला के किया क्या, हम फिर से डिवाइस करते हैं, हमारा पहले हाफ एडर का सर्किट था, अब हमें क्योंकि इक्वेशन क्या चाहिए थी, हमें सम की इक्वेशन क्या मिलती है हाफ एडर में, एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई प्लस एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट, और इसी तरह से डिफरेंस की इक्वेशन भी क्या होती है, एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई प्लस एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट, तो अब इसमें तो हमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं थी, बट यहां पर क्या थी, हमें कैरी की इक्वेशन थी एक्स डॉट वाई, लेकिन बोरो की इक्वेशन क्या थी, एक्स कॉम्प्लीमेंट डॉट वाई थी, तो अब हमने यहां पर कॉम्प्लीमेंट लगाया, यहां पर कॉम्प्लीमेंट लगाने की वजह से हमें जो डिफरेंस की इक्वेशन चाहिए थी वो सही नहीं मिल रही थी, हमें यहां पर क्या मिल रहा था, एक्स कॉम्प्लीमेंट एक्सोल वाई मिल रहा था, तो हमने क्या कर दिया, फिर कॉम्प्लीमेंट उसको कर दिया, तो हमें वापस से क्या मिल गई, ये का यही मिल गया, क्या मिल गया हमें, एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई प्लस एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट, जो कि क्या होती है, डिफरेंस की इक्वेशन होती है, तो वो हमें मिल गई, और यहां पर कॉम्प्लीमेंट लगाने की वजह से अब हमें यहां पे क्या मिला, एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई, जो कि किसकी इक्वेशन होती है, बोरो की इक्वेशन होती है, तो हमें डिफरेंस भी मिल गया, बोरो भी मिल गया, तो हमें सिर्फ यहां पर और यहां पर कॉम्प्लीमेंट लगाने की वजह से हाफ एडर क्या बन गया, हाफ सबट्रैक्टर बन गया। अब इसके सर्किट डायग्राम में भी हमें क्या करना है, ये था हाफ एडर का सर्किट डायग्राम, यहां से एक्स भेज रहे थे, यहां से वाई भेज रहे थे, लेकिन अब हमें क्या करना है, एक्स का यहां से कॉम्प्लीमेंट भेजना है, तो अब यहां से क्या जाएगा, एक्स का कॉम्प्लीमेंट जाएगा, तो यहां से क्या आएगा, एक्स कॉम्प्लीमेंट, ये एंड गेट है, तो एक्स कॉम्प्लीमेंट इंटू क्या आएगा, वाई आएगा, तो ये हमें क्या मिल गई, बोरो की इक्वेशन मिल गई, क्या मिली, एक्स कॉम्प्लीमेंट डॉट वाई मिली, अब यहां से हमें क्या लगा देना है, एक इन्वर्टर लगा देना है, जिसकी वजह से यहां पर क्या मिल जाएगी, डिफरेंस की इक्वेशन मिल जाएगी।